अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं एनीथिंग यू नीड फ्रॉम ए चैनल। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेके आया हूँ जिसका मैं आपको दो ऐप्स के बारे में बताऊंगा जिसका नाम है पिक्सेल लैब एंड पिक्सेल फ्लो। फ्रेंड्स, अगर आप कोई नई यूट्यूबर हैं तो आप अपने अगर चैनल को बूस्ट करना चाहते हैं, वीडियो को अच्छा बनाना चाहते हैं, तो आपकी दो मेन चीज़ें अच्छी होनी चाहिए। एक को थंबनेल अट्रैक्टिव होना चाहिए और आपका एक इंट्रो अच्छा होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इसके लिए हम यूज़ करेंगे पिक्सेल ऐप। पिक्सेल ऐप को यूज़ करने के लिए हम थंबनेल बना सकते हैं और पिक्सेल फ्लो को यूज़ करते हुए हम इंट्रो बना सकते हैं। तो हम पिक्सेल ऐप से स्टार्ट लेंगे। फ्रेंड्स, मैं आपको इन दोनों ऐप्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। इसको आप रोटेट कर लें मोबाइल को। उसके बाद फ्रेंड्स, ये है न्यू टेक्स्ट। अगर आप टॉप पर देखें तो ये डिलीट करने का ऑप्शन आएगा। इसको आपने ओके कर देना है। फ्रेंड्स, अब इसका जो स्टाइल है, मतलब कि बैकग्राउंड, आप इस तरह करना चाहते हैं, वाइट, इनर शाइनी, रिफ्लेक्ट, ओल्ड, ये साइड पे इतने ज़्यादा हैं, आप कोई भी इसमें ऐसे ले सकते हैं। मैं यूज़ करता हूँ डिफ़ॉल्ट। तो ये जो आप थ्री डॉट्स देख रहे हैं इधर, इसमें फिफ्थ नंबर पे इमेज साइज़ है। कस्टम से आप हटा के इसको यूट्यूब थंबनेल कर लें और ओके कर दें। उसके बाद फिर आप ये न्यू टेक्स्ट को डिलीट कर दें। उसके बाद आपको ये प्लस का बटन दिखाई दे रहा होगा ऊपर, जो जितनी चीज़ें हैं इसमें प्लस का बटन, इसमें आएंगे तो आपको मिलेगा फ्रॉम गैलरी। इसमें आपने जाना है। और यहाँ पे हमारे पास ये पिक्सेल ऐप का लोगो, ये आपने इसको ऊपर करना है और यहाँ से पकड़ के छोटा कर लेना है। इसको इसके साइज के मुताबिक कर लें। जितना आपने लिखना, अगर ज़्यादा लिखना है तो बड़ा कर लें, छोटा कर लें, अगर कम लिखना है तो बड़ा कर लें। उसके बाद मैं दोबारा गैलरी में जाऊंगा और यहाँ से मैं पिक्सेल फ्लो के लूँगा। सॉरी, मैंने गलत पिक्चर ले लिया। मैं फिर से जाऊँगा यहाँ पे और ये वाली लूँगा। इसको हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। ये ठीक है। और इसको भी हम उसी तरह छोटा 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 कर लेंगे और इसके साइज के मुताबिक बिल्कुल रखेंगे। उसके बाद मैं प्लस के बटन पे आऊंगा तो टॉप पे होगा टेक्स्ट। इसको आप डबल टैप करेंगे तो फिर ये आपको इसको सीधा कर, डबल टैप करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। इसको आप यहाँ पे जो लिखना चाहें लिख सकते हैं। मैं लिखूँगा पिक्सेल ऐप एंड पिक्सेल फ्लो। ये जो आपको टी का छोटा और बड़ा नज़र आ रहा है अल्फ़ाबेट, उसको दबाएंगे तो ये अपर केस हो जाएगा। ओके कर दें। यहाँ पे इसको थोड़ा सा बड़ा कर दें, थोड़ा सा और बड़ा, और यहाँ पे इसको अटका दें। इसका कलर चेंज करने के लिए आपने ये जो पेंसिल का ऑप्शन आ रहा है इसमें जाना है और इसको दबाना है। आपने हमेशा कलर में रहना है, ग्रेडियंट में नहीं जाना। कलर में रह के आपने इधर आना है। आपको जो कलर पसंद हो आप उसमें डीप लीजिए। मैं डीप ब्लू में चला जाऊंगा और मैंने ये ले लिया। उसके बाद मैं ए में जाऊंगा, ये जो आपको नीचे तीन चीज़ें नज़र आ रही, इसमें मैं ए में आ गया। उसके बाद मैं जाऊँगा बी में, ये स्टाइल होता है, इसमें मैं बोल्ड कर दूँगा इसको और ये स्टाइल मिला दूँगा। उसके बाद टिक कर देंगे। उसके बाद मैं इसको कर लूँगा शेडो, बल्कि शेडो इसको करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद मैं एक न्यू टेक्स्ट ले लूँगा उसी तरह जिस तरह मैंने पहले किया, और इधर मैं लिखूँगा थंबनेल मेकर एंड इंट्रो मेकर। इसको मैं अपर केस कर लूँगा और यहाँ पे लगा दूँगा। कोशिश करें कि आपका यहीं पे पूरा आ जाए। ये आ गया हमारा पूरा। ये हम इसको दोबारा से वही प्रोसेस करेंगे। वो पेंसिल के ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे और कलर इसका मैं कर दूंगा ब्लू, डीप ब्लू। ये हो गया। उसके बाद मैं जाऊँगा
ए में इधर आऊंगा तो यहाँ पे जिस तरह पहले किया था उसी तरह करेंगे बी और स्टाइल उसके को हो गया। अब हम आएंगे दूसरी तरफ, यहाँ एक तो एक और टेक्स्ट में ले लिए, इंट्रो एंड थंबनेल। इसको हम डन करेंगे, अपर केस कर देंगे और यहाँ पे लगा देंगे। इसका भी हम स्टाइल चेंज कर लेंगे, इधर आएंगे, कलर मैं इसको रेड कर देता हूँ, इसको मैं बोल्ड कर दूंगा ए में जाके, वही सेम प्रोसेस, लेकिन हम इसमें स्टाइल, इसको स्टाइल में नहीं करेंगे। ये हो गया, उसके बाद मैं एक आखिरी टेक्स्ट लूँगा, इसको डबल टैप करूँगा और यहाँ पे लिखूँगा बाय एनीथिंग, अपने चैनल का नाम लिख दूँगा। फ्रेंड्स ज़रूरी होता है कि आप अपने चैनल का नाम एंड पे ज़रूर लिखें और इसको ज़रा स्टाइल में लिखें। ये आ गया हमारा, इसको ज़रा लंबा कर लेंगे ताकि एक ही लाइन में आ जाए। ये आ गया पूरा, हम इसको ज़रा इस तरह कर लेंगे और इसको हम ज़रा बड़ा कर लेते हैं। इसको हम ज़रा बड़ा कर लेंगे और मैं ए में आऊँगा, ए में आके यहाँ पे कर्व होगा, इसको मैं कर्व कर लूँगा, थोड़ा सा टिक कर दूँगा। ए बी फॉन्ट, सॉरी ए बी फॉन्ट में नहीं आना, ए नीचे आएंगे तो आपको शेडो मिलेगा, इनेबल कर दें इसको इस कलर से। अगर आप इसको ऐसे ही छोड़ दें, उसके बाद मैं पहले मैं इसका कलर चेंज करूँ, उसके बाद मैं इसका वो शेड डालूँगा। कलर में मैं इसको ग्रीन चूज़ करूँगा, ओके कर दूंगा। उसके बाद मैं शेडो में आऊँगा, नेबल करूँगा रेड शेडो और ये हो गया। उसके बाद फ्रेंड्स आपका काम है इसको सेव करना, ये आपको बटन दिख रहा होगा प्लस के बटन के साथ इधर, ये सेव एज इमेज करना है आपने, सेव टू गैलरी और इमेज सेव्ड होगी। आपको ऐड दिखाएंगे, इसको हम इग्नोर कर देते हैं। तो फ्रेंड्स हमारी एक ऐप हो गई है पिक्सेल ऐप, तो अब हम मूव करेंगे पिक्सेल फ्लो की तरफ। पिक्सेल फ्लो यानी इंट्रो बनाने के लिए तो फ्रेंड्स इंट्रो की वीडियो के लिए यहाँ पे बहुत सारी कैटेगरीज हैं, मिनिमल लो, गेमिंग, मिनिमल डिज़ाइन, टेक्नोलॉजी, सेलिब्रेशन एंड ग्रीटिंग्स, उसके बाद जनरल, सॉलिड, ग्रेडियंट, कुकिंग, एजुकेशन, स्पोर्ट्स। लेकिन जिनके ऊपर ये लॉक का आइकन आ रहा है ये हम यूज़ नहीं कर सकते। मैं टेक्नोलॉजी के हवाले से बात करता हूँ तो मैं टेक्नोलॉजी लूँगा, इसको यूज़ करूँगा। आपके सामने एक आएगा डाउनलोड का ऑप्शन, वो आपने डाउनलोड ज़रूर करना है। तो अब मैं पिक्सेल फ्लो को टा के यहाँ पे मैं लिखूँगा एनी थिंग यू नीड फ्रॉम ए ए, ये मैंने लिख दिया। प्रेजेंट्स में लिखूँगा प्रेजेंट्स पिक्सेल लैब एंड पिक्सेल फ्लो। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लूँगा, इतना काफ़ी होगा, और इसको थोड़ा सा नीचे कर लूँगा इधर। इधर मैं कर लूँगा, उसके बाद मैं प्ले करूँगा, देखूँगा कि अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, ठीक है। उसके बाद मैं एक्सपोर्ट के बटन को दबाऊँगा और इसको रेंडर होने होने के लिए भी देना होता है हमने। अब आपने सेलेक्ट करना है रेजोल्यूशन, कौन से रेजोल्यूशन पे आपने रखना, 540, 720, 180, मैं 180 को चूज़ कर लूँगा।
अब आपने रेंडर होने के वक्त आपने कोई और ऐप या इस ऐप को स्क्रीन को क्लोज नहीं करना, ये थोड़ी सी स्लो गई क्योंकि ये 1080p पे रेजोल्यूशन पे है। फ्रेंड्स हमारी वीडियो रेंडर हो गई है, तकरीबन हमारी वीडियो रेंडर हो चुकी है और ये आपके गैलरी में जो है वो सेव भी हो चुकी है। इस ऐड को ख़त्म होने दें, यहाँ से कट कर दें। वीडियो हैज़ बीन सेव्ड हो गया। आप यहाँ से किसी को शेयर भी कर सकते हैं, इंस्टा, व्हाट्सएप, ट्विटर या कहीं भी। तो फ्रेंड्स ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। और अगर आप सैमसंग A12 के यूज़र्स हैं और उसमें आपको मसला आ रहा है स्क्रीनशॉट लेने में, तो मेरी एक वीडियो है जो मैंने प्रीवियसली अभी कल अपलोड की है, अगर आप वो देखने चाहते हैं तो आई बटन में आपको मिल जाएगी। वैसे भी आप सर्च कर सकते हैं और मेरी जो डिस्क्रिप्शन में उसमें मैंने अपनी सारी प्रीवियसली वीडियोज़ जो मैंने अपलोड की थी उन सब के लिंक और उनका टाइटल है, तो फ्रेंड्स आप वहाँ से भी देख सकते हैं और आई बटन से भी आसानी से देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप मुझे फेसबुक और ट्विटर जो है इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, मैं आईडी आपको दे दूँगा। थैंक यू फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।